एक हजार में दम नहीं, अठारह हजार से कम नहीं। एक हजार उनको दिखाते अपना बाल बच्चा परिवार छोड़ के, अपना किसी भी हाल में हो परिवार, लेकिन हम लोग छोड़ के पेशेंट के साथ जाते हैं। लेकिन हम लोग को सरकार क्या देती है? भीख देती है? 2000 रुपया केंद्र सरकार से मिलता है, 1000 रुपया बिहार सरकार देती है, क्या दे रही है हम लोग को? ये तो हम लोग को भाड़ा भी नहीं होता है, भाड़ा इतना हो गया, हम लोग को भाड़ा भी नहीं होता है उतना में। हम लोग अपने परिवार के पालन पोषण कैसे करें? कभी फलेरिया है, कभी मलेरिया है, कभी काला ज्वर है, कभी पोलियो है, क्या हम लोग का बच्चा बीमार नहीं पड़ता है? हम लोग का परिवार में कोई किसी का बीमारी नहीं होता है? क्या हम छोड़ के घर में किसी दिन रेस्ट कर सकते हैं? हम लोग को करना है तो करना है। क्या मांगे आपकी? हम लोग को 18000 रुपया प्रोत्साहन नहीं, मानदेय के रूप में सरकार दे, नहीं तो ऐसे ही हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे और काम में बाधा उत्पन्न करते रहेंगे। परिचय दीजिएगा। गुड़िया देवी आशा मढ़ौड़ा। आम केंद्रीय ट्रेड यूनियन एवं अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर पूरे देश में आज यह आंदोलन का कार्यक्रम है। उसी कड़ी में बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला शाखा छपरा के द्वारा, बिहार राज्य पेंशनर एसोसिएशन जिला शाखा छपरा, आशा संघ छपरा के द्वारा इस आंदोलन के कड़ी में रोषपूर्ण प्रदर्शन और धरना के माध्यम से हम लोग भारत सरकार को चेतावनी देने आए हैं कि समय रहते आप पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करें और साथ ही नई पेंशन नीति को रद्द करें। तमाम विभागों में ठीका संहिता पर बहाल तमाम कर्मियों की सेवा अविलंब नियमित करें और ठीका पर बहाली बंद करें। समान काज के लिए समान वेतनमान देना होगा। तमाम ट्रेड यूनियन अधिकार पर जो हमला हो रहा है उस पर विराम लगाई जाए, अन्यथा आने वाले दिन में उग्र से उग्रतर आंदोलन किया जाएगा। साथ ही इस आंदोलन के माध्यम से बिहार सरकार से हम लोग मांग करना चाहते हैं कि आप तमाम आशा ममता को यह पारितोषिक और मानदेय क्या चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के पद पर सेवा नियमित किया जाए, 18000 रुपया न्यूनतम वेतन मान दिया जाए। इसी तरह से विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के बारे में भी हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी सेवा नियमित किया जाए। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर भारत के पैमाने पर ट्रेड यूनियन और अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के द्वारा जो आह्वान है उसी कड़ी में सारण के धरती पर भी हम लोग प्रदर्शन और धरना के माध्यम से सरकार को चेतावनी देने आए हैं कि उपेंद्र नाथ पांडे और मंडलीय मंत्री बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला शाखा छपरा सारण। आशा रिंकी देवी फैसलेटर, जिला अध्यक्ष रिंकी देवी मैं हूँ। मैं सरकार से अपील करना चाह रही हूँ कि मेरी गरीब आशा और आशा फैसिलेटर हर घर से अपने क्षेत्र में काम करने निकलती है, एक आशा लेकर कि शायद मेरी सरकार किसी दिन सुन ले।